फाइंड द सम ऑफ दिस सीक्वेंस तो यू नो अगर इस सीक्वेंस का सम फाइंड करना है तो हमें uh, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए जो कि ऑलरेडी मालूम है इट इज़ 18 डिफरेंस मालूम होना चाहिए वो हम इन दो टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करके पता कर लेंगे एंड नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होने चाहिए जो कि नहीं मालूम है तो so, प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स मालूम हो जाएँ तो हम इस पूरे सीक्वेंस का सम फाइंड कर सकते हैं ओके okay? ये एक ए है तो चलिए पहले फर्स्ट टर्म लिख लेता हूँ मैं फर्स्ट टर्म एट्टीन है और डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैं फ़िफ्टीन होल नंबर वन ओवर टू में से एटीन सब ट्रैक कर लूँगा या आप थर्टीन में से फिफ्टीन होल नंबर वन टू को सब ट्रैक कर सकते हो किसी भी टर्म में से उसके पिछले टर्म को सब ट्रैक करने से आपको डिफरेंस मिल जाता है तो आप चाहें तो थर्टीन माइनस फिफ्टीन होल नंबर वन अपॉइंट टू भी कर सकते हो थर्टीन माइनस फिफ्टीन टू टाइम्स थर्टी प्लस वन थर्टी वन ओवर टू इससे सिम्प्लीफाई करूंगा मैं डिनोमिनेटर्स का एलसीएम टू ले लूँगा टू थर्टीन टाइम्स ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा माइनस थर्टी वन तो डिफरेंस की वैल्यू है माइनस फाइव ओवर टू ये डिफरेंस है अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए आप ये देखो आपको लास्ट टर्म मालूम है ओके तो मान लेते हैं कि इस ए पी में एंथ टर्म है एन टर्म्स हैं और जो एंथ टर्म है मतलब लास्ट टर्म है वो ये है ओके अगर इस ए पी में टेन टर्म्स होंगे तो लास्ट टर्म टेंथ टर्म होगा अगर इस ए पी में ट्वेंटी टर्म्स होंगे तो लास्ट टर्म ये ट्वेंट टर्म होगा तो इसी तरह से अगर आपको नहीं मालूम है कितने टर्म्स हैं तो आप मान लो कि एस ए पी में एन टर्म्स हैं और जो एन एथ टर्म होगा वो ये होगा ओके तो एंथ टर्म है ये एनथ टर्म है, है माइनस फोर्टीन होल नंबर वन ओवर वन ओवर टू तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी अब एंथ टर्म फाइंड करने के लिए एंथ टर्म फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी आई होप आपको मालूम होगा कि एंथ टर्म हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करते हैं अब एंथ टर्म की वैल्यू जो है ये है माइनस फोरटीन माइनस फोर्टी नाइन होल नंबर वन ओवर टू फर्स्ट टर्म की वैल्यू और डिफरेंस हमें मालूम है फर्स्ट टर्म एटीन है और डिफरेंस है माइनस फाइव ओवर टू सो एटीन लिखते हैं फर्स्ट टर्म की जगह एंड डिफरेंस की जगह हम लिखेंगे माइनस फाइव ओवर टू इज़ इक्वल्स टू इसे सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस फोर नाइन्टी नाइन टू इसके बाद एटीन कॉपी करते हैं माइनस फाइव ओवर टू को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस फ़ाइव ओवर टू एन मिलेगा माइनस फाइव ओवर टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस फाइव ओवर टू मिलेगा इज़ इक्वल्स टू माइनस नाइन्टी नाइन ओवर टू आप इन फ्रैक्शंस में डिनिनेटर्स का एलसीएम ले लो टू टू एटीन टाइम्स थर्टी सिक्स हो जाएगा माइनस फाइव एन प्लस फाइव इज़ इक्ल्स टू माइनस नाइन्टी नाइन ओवर टू दोनों साइड डिनोमिनेटर टू टेन है तो आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो थर्टी सिक्स प्लस फाइव हो गया फोर्टी वन माइनस फाइव एन इज़ इक्वल्स टू माइनस नाइन्टी नाइन डिनोमिनेटर सेम थे हमने कैंसिल कर दिया तो वो यहाँ से हट चुके हैं अब फोर्टी वन प्लस नाइन्टी नाइन इज़ इक्वल्स टू फाइव एन हो जाएगा इन्हें ऐड करने पर आपको मिलेगा वन फोर्टी उसे डिवाइड करोगे इस फाइव से तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी और एन की वैल्यू होगी ट्वेंटी एट एन की वैल्यू है ट्वेंटी एट मतलब वो जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है ये जो आपको ए पी दिख रही है इसमें ट्वेंटी एट टर्म्स हैं और फर्स्ट टर्म की वैल्यू ट्वेंटी एट है डिफरेंस माइनस फाइव ओवर टू है तो अभी आप सम फाइंड कर सकते हो ओके okay? अब इस क्वेश्चन के लिए हम सम के लिए दो फार्मूलाज यूज़ कर सकते कर सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी और एक और फार्मूला है उसको भी यूज़ कर सकते हो ये है एन अपॉन टू इन टू ए प्लस एल तो इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है नंबर ऑफ टर्म्स ही मालूम है तो हम इस सेकेंड फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं ओके चलिए इसी को यूज़ करते हैं एन ओवर टू तो एन की वैल्यू ट्वेंटी एट है मतलब ट्वेंटी एट टर्म्स हैं इस ए पी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है हमें फ़र्स्ट टर्म देख लो आप एटीन है और लास्ट टर्म माइनस फोर्टी नाइन होल नंबर वन ओवर टू है तो एटीन प्लस माइनस फोर्टी नाइन होल नंबर वन ओवर टू मैंने एटीन को और माइनस फोटी नाइन होल नंबर वन अपॉन टू को ऐड कर दिया है ओके लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा तो 18 माइनस और इसे सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा माइनस नाइन्टी नाइन ओवर टू आगे बढ़ते हैं फोरटीन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हो जाएगा टू टू इंटू एटीन हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस नाइन्टी नाइन आई होप इस पेज में सारी चीज़ें क्लियर हैं अगर अगर आप किसी भी चीज़ से कंफ्यूज हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन ओके आगे बढ़ते हैं 28 एट टर्म्स का हम सम फाइंड कर रहे हैं तो ये 14 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं 14 इंटू टू सेवन मिलेगा आपको 36 और 99 का जब आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो ये है माइनस सिक्सटी थ्री माइनस सिक्सटी इन्हें मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिल जाएगा तो आंसर होगा सेवन थ्री टाइम्स ट्वेंटी वन टू कैरी फोर फोर वन इज़ द आंसर माइनस फोर फोर वन इज़ द आंसर आई होप ये क्लियर है